हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार आनंद लेकर आया हूं आपके लिए ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ ए एन। मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो जो कि मैं आर्टिकल से संबंधित दे चुका हूं वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मैं उसका लिंक दिया हुआ हूं, आप वहां जाकर के क्लिक करें और इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू को देख लें। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा आपका खर्च यह भी बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं जो है यूज ऑफ ए एन। स्टूडेंट्स, ए एन जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है का यूज खासकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और जब आपके वाक्य में आपके सेंटेंस में पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा की गई हो तो हम लोग वहां बेझिझक ए एन लगाएंगे ना कि द। आप देख सकते हैं कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो, जैसे अगर है, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगा। देयर वाज डैश रिवर, यहाँ जो ये रिवर है यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले इसकी चर्चा नहीं हुई है, यानी पहले बार इसकी चर्चा हो रही है वाक्य में, इसलिए यहाँ जो आर्टिकल लगेगा वह ए या एन लगेगा। अब हम इसके उच्चारण पर देखें तो उच्चारण रिवर जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ एन ना लग कर कर ए लगेगा, इसलिए हमारा जो सही होगा वो ए होगा, एन गलत होगा। द यह पहली बार चर्चा हो रहा है इसलिए द का यूज नहीं होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। आई हैव डैश कॉ, डैश कॉ इज ब्लैक। अब देखिए यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन दो बार आया है तो पहली बार जो आया उसके लिए क्या लगेगा और दूसरी बार जो आया है उसके लिए क्या लगेगा। तो मैं अभी बताया आपको कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आए तो ए लेता है, द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब वह दूसरी बार तीसरी बार वाक में आए तो हम उससे परिचित हो जाते हैं तो तब ए एन का यूज उसके लिए नहीं होगा बल्कि द का यूज होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा क्या होगा, आई हैव ए कॉ, द कॉ इज ब्लैक, तो ए और द यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब ए एन का दूसरा यूज देखते हैं। ए एन का यूज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है और उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसे आप देखें। पहला व्हाट, ए या एन फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यह व्हाट इंटरोगेटिव का नहीं है बल्कि एक्सक्लामेटरी का है। व्हाट प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हाट अ बॉय, व्हाट बॉय नहीं होगा, व्हाट अ बॉय, क्योंकि बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके लिए ए या एन का यूज किया जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर कहता है क्या होगा, व्हाट ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अतः व्हाट अ बॉय। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, व्हाट ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहां पर अगर एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए एन लगाएंगे तो क्या होगा, व्हाट अ लवली स्माइल। अब देखिए यहां एक स्माइल एक नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव लवली है, इसलिए इससे पहले होगा ए, व्हाट अ लवली स्माइल। अब लेकिन तीसरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि यहाँ हाउ प्लस एडजेक्टिव
उसके बाद ए एन तब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यानी हाउ एडजेक्टिव ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ आकर स्टूडेंट फंस जाते हैं। और मैं बता दूँ कि इससे केवल ए एन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको नहीं पूछा जाएगा, बाद में जा करके जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो कॉमन एरर के रूप में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। हाउ एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल होगा, ना कि हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह कहना गलत होगा। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हम कहते हैं हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल तो यह गलत है। क्या होगा? हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। चलिए आगे आगे हम और देखते हैं। अब आइए तीसरे यूज को देखें, एन के तीसरे यूज को। डियर स्टूडेंट, एन का तीसरा यूज पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जब पूरी जाति का बोध हो तो हम ए या एन का यूज उससे पहले होता है। हाँ, इससे पहले हम द का भी यूज कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी पूरी जाति का बोध कराता है, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी पूरी जाति का बोध कराता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से जब शुरू हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी पूरी जाति का बोध कराता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अ कॉ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक लाभदायक जानवर है। तो इससे यह पता चलता है एक किसी एक गाय की बात नहीं हो रही, बल्कि उसके पूरे समुदाय, उसके पूरी जाति का बोध हो रहा है कि गाय लाभदायक जानवर है। तो गाय लाभदायक जानवर है तो क्या होगा? अ कॉ इज अ यूजफुल एनिमल, यह अ पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसके बदले में हम कह सकते थे द कॉ इज अ यूजफुल एनिमल, या जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो होगा कॉज आर यूजफुल एनिमल्स, ना कि द कॉज आर यूजफुल एनिमल। द का यूज प्लूरल के साथ करके उससे पूरी जाति का बोध नहीं होता है, यानी जब द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इससे पूरी जाति का बोध नहीं होता है। द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध नहीं होता है, इसलिए यहाँ बिना डॉग यूज होगा। कॉज आर यूजफुल एनिमल, ए कॉ इज अ यूजफुल एनिमल, द कॉ इज अ यूजफुल एनिमल, तीनों ही वाक सही है। तो आपने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जब पूरे जाति का बोध हो तो उसके पहले ए या एन का यूज किया जाता है, उसके लिए द का भी यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब देखिए चौथा, प्रत्येक और प्रति के अर्थ में ए एन का यूज किया जाता है, प्रत्येक या प्रति के अर्थ में भी ए एन का यूज किया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझें, आई गो टू पटना वंस अ वीक, मैं पटना प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता हूँ। यहाँ जो यह ए है इसका अर्थ प्रत्येक है, यह प्रत्येक के लिए आया है। मैं पटना प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता हूँ, आई गो टू पटना वंस अ वीक। अगर आपको मान लीजिए यहाँ खाली स्थान दे दे और द दे तो द नहीं होगा, नो आर्टिकल नहीं होगा, एन इसके साउंड के अनुसार एन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अ सही है। शुगर सेल्स 40 rupees अ केजी, चीनी 40 rupees प्रति किग्रा बिकता है। तो यहाँ प्रति के अर्थ में ए या एन का यूज किया गया है। ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए पीछे जाकर के देख लें। अगर आपको लगे नहीं, समझ में नहीं आए कि कहीं हर जगह ए ही यूज हो रहा है, एन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम ए और एन की के यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो को देखें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए ए एन के और यूज को देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं ए एन का यूज एक के अर्थ में होता है, ये तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, ए या एन माने एक, या बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं
तो ए एन का यूज एक के अर्थ में भी होता है, जैसे आई हैव अ पेन, तो मुझे एक कलम है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो एक के अर्थ में भी ए एन का यूज किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह हम लोग बहुत बचपन से जान रहे हैं, वैसे भी इसके बारे में पता है। अब आइए कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज होता है। अगर मैं यह बात कहूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज होता है, तो तत्काल आप लोगों को हम पर शंका हो कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कभी आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। बात सही है, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। तो फिर होता कहाँ है? तो ए एन का यूज तब होता है प्रॉपर नाउन के पहले जब वह किसी खास व्यक्ति का बोध न कराए, बल्कि उसके गुण का बोध कराए। यदि किसी व्यक्ति के गुण को किसी और से तुलना किया जाए, तब उस व्यक्ति, उस खास व्यक्ति के पहले ए या एन का यूज करते हैं, या ए एन का यूज प्रॉपर नाउन के पहले कोई के अर्थ में होता है। यानी अगर प्रॉपर नाउन के बारे में वक्ता को पता ना हो, अनिश्चित हो प्रॉपर नाउन, तो उसके लिए हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसा कि हम देख यहाँ देखिए, अ मिस्टर सिन्हा वांट्स टू मीट यू, कोई मिस्टर सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ वक्ता को पता नहीं है कि वह मिस्टर सिन्हा कौन है, मिस्टर सिन्हा के बारे में वो परिचित नहीं है, इसलिए यह मिस्टर सिन्हा के पहले ए का यूज किया गया है। दूसरा देखिए, ही इज अ दारा सिंह, वह दारा सिंह है। अब वह खुद दारा सिंह नहीं है, बल्कि उनका गुण दारा सिंह के गुण से मिलता है। दारा सिंह की तरह पहलवान है, इसलिए उसके गुण की तुलना की गई है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, या विदाउट ए यूज नहीं होगा जब हम लोग इस रूप में उसका यूज करेंगे। जैसे हम अगर कहें राम बाबू इज अ दारा सिंह, यह सही होगा, लेकिन राम बाबू इज दारा सिंह ये कभी होगा? वो उसका नाम राम बाबू है, तो फिर वो दारा सिंह नहीं हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के बारे में न बता करके किसी दूसरे के गुण को की तुलना उससे की जा रही है। अब आइए देखते हैं ए एन का यूज कहाँ नहीं होगा। ए एन का यूज प्लूरल नाउन के साथ नहीं होगा। जब नाउन एक से अधिक हो, तो उसके पहले ए या एन का यूज नहीं होगा। ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा। जब नाउन अनकाउंटेबल हो, तो उसके पहले ए या एन का यूज नहीं होगा। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होगा। आइए एक एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। अ बॉयज आर ब्रेव, यहां आप देखिए बॉयज एक प्लूरल नाउन है, और मैंने बताया कि प्लूरल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होगा, इसलिए यहां ए लगाना सरासर गलत है। तो क्या होगा? बॉयज आर ब्रेव। अ वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, यहां पर भी देखिए वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी ए का यूज करना सरासर गलती करना होगा। फिर आइए आई लिव एट अ मधेपुरा, यहाँ देखिए मधेपुरा एक प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले भी ए या एन का यूज नहीं होगा। तो आप तीनों जगह ए या एन का यूज जो है वो गलत है। तो सही जो होगा बॉयज आर ब्रेव सही है, वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ सही होगा, आई लिव एट मधेपुरा सही होगा। तो आपने देखा कि ए या एन का यूज कहाँ कहाँ नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा बोलिए? एक तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के पहले जनरली नहीं होगा, और प्लूरल नाउन के पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों में शेयर करें।